भोले बांके बिहारे लाल की जय जय श्री राधे। तबला की आवाज ठीक करो, तबला को थोड़ा आवाज दो। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो करी करी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो करी करी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, ओ जमुना जी तो करी करी राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो करी करी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, रज धाम राधा जो की रज धानी लागे, रज धानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। रज धाम राधा जो की रज धानी लागे, रज धानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ओह मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कोटिन रूप धरे मन मोहन कौ न पावे पार, कोटिन रूप धरे मन मोहन कौ न पावे पार। ओ कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, ओ कोटिन रूप धरे रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। प्रेम से ताली बजाओ सब लोग, आनंद आएगा प्रेम से पाले।
ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ओ भरिया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई, भरिया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। ओ ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन भैया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई, जी भैया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। कैसी लग रही है राधा रानी? कहता भक्त वृषभानु की लली तो गुणधानी लागे, गुणधानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। वृषभानु की लली तो गुणे अंतिम पंक्ति है ईश्वर की, और भी मीठी है और भी मधुर है। ध्यान देंगे शब्दों पर। राधा राधा नाम रटत है जो नर आखोया, राधा राधा नाम रटत है जो नर आखोया, उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। ओ राधा राधा नाम रटत है जो नर आखोया, राधा राधा नाम रटत है जो नर आखोया, उनकी बाधा से सफल जिंदगानी लागे, देगानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। राधा सफल जिंदगानी लागे, देगानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे, 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 मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ताली तो प्रेम से बजाइए आप लोग। जय जय श्री राधे। हमारे मंच के संचालक विवेक अग्रवाल, जिन्होंने बड़ी कुशलता के साथ 8 दिनों तक कुशल मंच संचालन किया, उनके लिए भी ठाकुर जी से प्रार्थना है। बहुत बहुत इनको जीवन में धर्म भक्ति ज्ञान और आनंद का जीवन रहे। अब आगे की सूचना हमारे विवेक जी आपको देंगे। हमारे यजमान परिवार अब अपने कुछ भाव व्यक्त करेंगे 5-5 मिनट में, और उसके बाद भागवत जी की आरती होगी, उसके बाद शोभा यात्रा होगी। आप लोग शांति से जो बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, और जिनको जाना है वो जा सकते हैं। बोलिए श्री भागवत भगवान की। सर्वप्रथम मैं यहां आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुषमा आनंद वैद्य जी, मुंबई से जो आई हुई हैं और हमारे मुख्य यजमान हैं। वे अपने
भावोद्गार यहाँ पर व्यक्त करेंगी। सर्वप्रथम श्रीमती सुषमा जी। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आभार व्यक्त करना पहली बार कर रही हूँ। मैं आपसे मात्र इतना कह सकती हूँ कि आज हम लोग तत्व ज्ञान और भागवत जी जैसे महान ग्रंथ के ज्ञान से अपने जीवन को सफल बना पाएंगे, क्योंकि तब जब श्री सुखदेव जी जैसा ज्ञान और कथा अमृत हमारे पूज्य गुरुजी से मिलता है तो हम सबका कल्याण तो निश्चित है। आप सभी भक्तों का एवं इस कथा के में जिन जिन का सहयोग रहा, मैं उन सभी का अपना आभार व्यक्त करती हूँ और पूज्य गुरुजी को सादर साधुवाद आभार और चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं मुंबई से सुषमा आनंद वैद्य। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत संक्षेप में अपने भाव सुषमा ने प्रकट किए। अब हमारे अगले आयोजक हमारे मध्य में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री वित्त मंत्री श्री तरुण भानोट जी पधारे हैं। वे आए और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें और उसके तुरंत बाद श्री आरसी कौशिक जी अपने भावोद्गार यहां से व्यक्त करेंगे। श्री जगत बहादुर सिंह जी भी व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा एडवोकेट श्री आरसी कौशिक जी से कि वे आए और अपने भावोद्गार यहां पर व्यक्त करें। आदरणीय श्री आरसी कौशिक जी। सर्वप्रथम मैं माँ शैला नर्मदा माँ के श्री चरण में प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे सदगुरुदेव श्री कृष्ण जी के श्री चरण में सादर प्रणाम। मंच पर विराजित स्वामी मुक्तानंद जी महाराज और व्यास श्री उमाशंकर जी महाराज के श्री चरण में सादर प्रणाम। मेरा यह कथा कराने का विचार जो पहले था गोरखपुर उत्तर प्रदेश से था, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। मैं अपने सदगुरुदेव से निवेदन किया तो उन्होंने बोला कि आप सुनना चाहते हो सुनाना चाहते हो। मैंने कहा मैं कथा सुनना चाहता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है, वहाँ से हो तो अच्छा रहेगा। तो बोला कि आप यहाँ से करिए और यहाँ जो है वहाँ कर नहीं पाओगे, वहाँ सुविधा नहीं कर पाओगे, अकेले तुम परेशान हो जाओगे। और यहाँ आने के बाद यह जब कथा में देखा जिस हिसाब से यहाँ पब्लिक और जो आयोजक हैं यहाँ संयोजक हैं यहाँ पटेरिया जी उनके और सहयोगियों का जो हिसाब से सहयोग मिला और यहाँ की जनता का जो सहयोग मिला जो अध्यात्म से इस हिसाब से जुड़े हुए हैं, तो मैं महसूस किया कि मेरा जो सोच था वो गलत था और मैं कोई भयंकर भूल करने जा रहा था। यहाँ आकर के मैं अपने आप को पाया कि जो हमारी भूल थी गुरुदेव के कहने के अनुसार यहाँ मैं करा के कथा अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। यहाँ के सभी जनता का सभी का जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर कथा में भक्तों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय सर। इसके उपरांत श्री रघुनाथ जी व्यास जो हमारी संस्कारधानी जबलपुर से इस कथा के यजमान थे, पंडित श्री रघुनाथ जी व्यास। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी के श्री चरणों में
साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से और जिनकी अलौकिक उपस्थिति में इस महाआयोजन का उत्सव संपन्न हो रहा है। व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे और इस भव्य सत्संग सभा के सूत्रधार पूज्य स्वामी श्री गीसानंद जी के श्री चरणों में सत्सत नमन। संपूर्ण सत्संग सभा में परम सन्निधि प्रदान कर रहे पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंद महाराज, मानस मर्मज्ञ पंडित उमाशंकर जी व्यास के श्री चरणों में विनम्र प्रणाम। इस सत्संग सभा के हमारे भाव को पूर्णता में सहयोग हमारे आदरणीय श्री श्रीमती माला आर डी कौशिक एवं श्री श्रीमती सुषमा आनंद वैद्य के प्रति हृदय से आभार निवेदित करता हूँ, जिन्होंने इस भव्य आयोजन को माँ नर्मदा जी के तट पर हमारे संस्कारधानी जबलपुर में मूर्त रूप देने में पूरी तन्मयता और विशाल हृदय से अपना संपूर्ण सहयोग दिया है। इसके उपरांत मैं श्री नीरज पटेरिया जी को हृदय से कृतज्ञता, जिन्होंने इस महनीय आयोजन की संपूर्ण व्यवस्थाओं का कार्यभार इतनी तत्परता और आत्मीयता से संभाला कि मेरे पूज्य गुरुदेव को समर्पित इस आयोजन का व्यवस्थापन अत्यंत सुचारू रूप से हो सका। श्री गोपाल लाल जी महाराज ट्रस्ट एवं श्री मालपाणी परिवार के प्रति भी मैं अत्यंत कृतज्ञता का भाव समर्पित कर रहा हूँ, जिन्होंने हमें इस गोपाल सदन का स्थान उपलब्ध करवाया और नगर के मध्य इस तुरम्य स्थल पर नगर के शुद्ध श्रोताओं को कथा श्रवण का दुर्लभ लाभ प्राप्त हुआ। इस आयोजन की भावभूमि कैसे प्रकट हुई यह अवर्णनीय है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो बड़े महाराज जी स्वयं प्रकट होकर मेरे से साकेत धाम में इस आयोजन का भाव प्रकट कर रहे हैं और मैंने बिना किसी पारिवारिक चर्चा के पूज्य स्वामी जी से निवेदन किया। पूज्य स्वामी जी ने इस कथाक्रम की सहमति प्रदान की और फिर इस कथा के इस विस्तृत आयोजन के लिए सभी लोग जुड़ते चले गए। बड़े महाराज जी की कृपा से, पूज्य स्वामी जी की कृपा से ये उत्सव संपन्न हो पाया। सभी भक्त वृंदों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे इस आनंद उत्सव को पूर्ण मनोयोग से लाभ लिया। माँ नर्मदा जी के संरक्षण एवं प्रकृति श्रृंगार के भाव से पोषित वृक्ष लगाने का जो प्रण महाराज जी ने दिलवाया है वह सभी प्रत्येक दिन पर पालित करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह और अनुरोध है। प्रशासनिक व्यवस्था हेतु श्री आर एन सिंह जी का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, इसके प्रति भी मैं हृदय से आभारी हूँ। पुलिस प्रशासन के प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। संगीत मंडली के सभी सदस्यों एवं वृंदावन से आए आचार्य वृंदों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। स्वरूप दर्शन में श्रृंगार सहयोगी श्री गणेश माने जी को भी कृतज्ञता, जिनके अथक परिश्रम से नित्य भावपूर्ण देवता स्वरूपों के दर्शन होते रहे हैं। हमारे समस्त परिजनों को भी कृतज्ञता, जिन्होंने दिन रात लगकर इस कथा आयोजन को पूर्ण करने में सहयोग दिया। विवेक अग्रवाल जी के मंच संचालन के लिए भी उन्हें सुभाषीष सुभाशीर्वाद। विवेक अग्रवाल जी स्वयं पुष्ट मार्ग में दीक्षित हैं और प्रभु कृपा से इस कार्य में सहयोगी बने, उनको पुनः पुनः सुभाषीष। हम सभी आयोजकों की ओर से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग हेतु कृतज्ञता ज्ञापित है। पुनः पुनः कोटसा आभार एवं पूज्य व्यासपीठ के श्री चरणों में विनत प्रणाम। मैं आग्रह करूंगा यजमान परिवार के सभी सदस्यों से कि वे आरती के लिए प्रस्तुत हों और हमारे मध्य में पधारे श्री तरुण भानोट जी, कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश शासन, वे भी आरती के क्रम के लिए आए। श्री विश्वमोहन जी, उनसे भी आग्रह है, वे भी आरती के लिए आए। आदरणीय श्री आर एन सिंह जी एवं श्रीमती सुशीला सिंह जी, उनसे भी आग्रह कि वे भी आरती में सम्मिलित होने के लिए आए। इसके उपरांत श्री भगवान दास जी धीराबाणी, उनसे भी आग्रह है कि वे भी आरती के लिए आने की कृपा करें। श्री भगवान दास भाई धीराबाणी जी,
बाकी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आयोजक परिवार और जिनके नाम लिए गए हैं वो लोग आगे आ जाएं आरती के लिए, बाकी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का आनंद लेंगे। साथ ही वैष्णव यात्रा समिति के संयोजक श्री जगत बहादुर सिंह जी अन्नू भैया से भी आग्रह है कि वे भी आरती में सम्मिलित होने के लिए आगे आए। ओम माये दगो हवे प्रजन नमे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगो स्वस्ताये आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजान बहुलांबे करो तन्नम अयोरे दोस्मा सुधत्तो आरती कुंज बिहारी पश्चात् आत्माभिवंदनम्
ओम मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गो शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ जजने न जजना माया जनता देवा तानि धर्मा हृदि प्रथमान्यासन्ना ते चंता जत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे तुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्ना सुखप्रचोदया सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूनागजातकरवेलरसालपुष्प विल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरे विश्वाम्बो जयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः एतन्मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामहे बोलिए भागवत भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो वेद भगवान की जय हो व्यास भगवान की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो माँ नर्मदा मैया की जय हो माँ नर्मदा मैया की जय हो गोपाल लाल महाराज की गोपाल लाल महाराज की जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। अब यहां से श्री भागवत जी का प्रस्थान होगा और गोपाल सदन के भवन तक प्रांगण तक श्री भागवत जी शोभा यात्रा के रूप में पधारेंगी और उसके बाद हवन का क्रम हवन और पूजन का क्रम होगा और ठीक उसके उपरांत प्रसाद और भंडारे का आयोजन है। आप सभी यथा समय यहाँ पर उपस्थित हों और एक निवेदन है कि जब भागवत जी यहाँ से पधारें और महाराज श्री साथ में पधारें तो आप लोग अपने अपने स्थान पर ही प्रणाम निवेदन करिएगा। और दो सूचनाएं आप सभी लोगों के लिए हैं, आगामी 28 जनवरी से 4 फरवरी तक बरेला में पुनः पूज्य महाराष्ट्री के श्रीमद् भागवत क्रम का आयोजन होने जा रहा है।
28 जनवरी से 4 फरवरी तक बरेला में पूज्य महाराज श्री के श्रीमद् भागवत कथा पारायण सप्ताह का आयोजन हो रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। साथ ही 28 फरवरी से 4 मार्च तक शिवरात्रि एवं पाटोत्सव का, शिवरात्रि एवं श्री साकेत धाम के पाटोत्सव का क्रम कार्यक्रम होगा, जिसमें साकेत धाम परिवार भी आप सभी को सादर सपरिवार आमंत्रित करता है। आइए, जैसा कि व्यासपीठ से कहा गया कि कथा विराम ले रही है, हम आप सभी भागवत जी के इस विदाई में सम्मिलित हों और उसके उपरांत पूजन और हवन का क्रम होगा, उसके उपरांत प्रसाद का क्रम। पंडित श्री राजीव कृष्ण जी से आग्रह कि वे आए और पूज्य महाराज श्री को प्रणाम निवेदन करें।
सामने करेंगे।